कोटा ग्रामीण पुलिस ने हत्या के मामले में करीब एक साल से फरार चल रही महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला आरोपी प्रेम कंवर पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था। देवली मांझी थाना पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में स्वराज इंक्लेव कॉलोनी के वासियों ने आज स्वराज इंक्लेव कॉलोनी की समस्याओं को लेकर विरोध जताया और पानी की टंकी पर जा चढ़े। युवकों ने पानी की टंकी पर चढ़कर स्थानीय पार्षद पर अनदेखी का आरोप लगाया। पानी, बिजली और सीवरेज की समस्या से परेशान होकर युवक पानी की टंकी पर जा चढ़े। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद युवकों को नीचे उतारा गया। कोटा के सबसे व्यस्तम गुमानपुरा बाजार में एक शख्स को कार बीच सड़क पर खड़ी करके दुकान में सामान लेने जाना भारी पड़ गया। कार चालक का यातायात पुलिस ने ऑनलाइन चालान काट दिया। कार चालक कार को बीच सड़क पर खड़ा करके एक दुकान में सामान लेने चला गया। इस दौरान कार के पीछे अन्य वाहन आए तो वाहनों की लंबी कतार लग गई। कार चालक ने कार को साइड में खड़ा करने के बजाय बीच रोड पर कार को खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से यातायात अवरुद्ध हो गया। कार के नंबरों के आधार पर कार मालिक के मोबाइल नंबर यातायात पुलिस ने निकाले। इसके बाद कार मालिक को कॉल करके बुलाया गया, तब तक उसका चालान कट चुका था। कोटा के दशहरे मेले में बीती रात ड्रोन शो हुआ। एक साथ 500 ड्रोन आसमान में नजर आए तो दर्शकों की निगाहें आसमान पर टिकी रही। ड्रोन शो के माध्यम से आसमान में विभिन्न आकृतियां बनाई गई। दीपावली की शुभकामनाएं, जय सिया राम, हनुमान जी, राम और सीता की आकृति देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। दशहरे मेले में ड्रोन शो के दौरान दर्शक मेले में जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए और सभी की निगाहें आसमान में टिकी रही। ड्रोन से आसमान में रंग बिरंगी झिलमिलाती रोशनी से राम मंदिर की आकृति के लोगों ने दर्शन किए। कोटा में बीती रात दशहरे मेले में पंजाबी नाइट में पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा ने पंजाबी सॉन्ग सुनाए तो दर्शक झूम उठे। करीब 3 घंटे देरी से सिंगर परमीश वर्मा मंच पर पहुंचे। रात 11:30 बजे के करीब उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। 1 घंटे से भी कम परफॉर्मेंस के बाद परमीश वर्मा मंच से लौट गए। देर से आने और कम प्रस्तुति देने पर फैंस में नाराजगी देखी गई। इस दौरान परमीश वर्मा के फैंस ने हंगामा भी किया, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ा। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।